नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंटरनेट से जुड़े कई सारे इंफॉर्मेटिव फैक्ट जो नॉर्मली आप सबको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं गूगल एप्पल और फायरफॉक्स ब्राउजर को सालाना मिलियन डॉलर्स पे करता है ताकि वे गूगल को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में रख सके। फैक्ट नंबर 11, आप लोगों को शायद ये बात पता होगा कि 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट को लॉन्च किया गया था, यानी कि साल 1995 से पहले हमारे भारत में इंटरनेट नाम का कोई भी चीज नहीं था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है भारत का म्यूजिक कंपनी यानी टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। टी सीरीज का यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 21.6 करोड़ है आज के डेट पे। फैक्ट नंबर 9, गूगल ने यूट्यूब को लॉन्च होने के ठीक 18 महीने बाद ही 165 करोड़ डॉलर में खरीद लिया था, क्योंकि गूगल को यह बात पता था कि इन फ्यूचर यूट्यूब दुनिया में एक अलग ही रिवॉल्यूशन लाएगा, और वाकई में आज पूरी दुनिया में यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप लोगों को मोजिला फायरफॉक्स के लोगो पर कौन सा जानवर दिखता है? अगर आप इस जानवर को एक फॉक्स समझ रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि एक्चुअल में यह एक पांडा का तस्वीर है। फैक्ट नंबर 7, नोकिया का 1100 और 1110 मॉडल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोबाइल फोन है, और जिसके करीबन 250 मिलियन डिवाइस सेल्स हुए थे। नोकिया कंपनी का ये रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा कंपनी तोड़ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाओगे तो बी लेटर का तब तक यूज नहीं होता जब तक आप 1 बिलियन तक नहीं पहुंचोगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हमारे देश यानी भारत के है, और उनका नाम सुंदर पिचाई और सत्य नडेला है। फैक्ट नंबर 4, हमारे भारत में यूट्यूब के 4 ऑफिस है जो कि हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव और मुंबई में लोकेटेड है, और इन चारों में से मुंबई में यूट्यूब का हेड ऑफिस है। फैक्ट नंबर 3, हैप्पी बर्थडे टू यू ये सॉन्ग 120 साल पुराना है, और इसके सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये सॉन्ग आज भी कॉपीराइट रिजर्व्ड है। फैक्ट नंबर 2, 2012 में अपलोड की गई कोरियन सॉन्ग गंगम स्टाइल, जिसे यूट्यूब पर 261 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, और ये सॉन्ग आज तक यूट्यूब में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एटीएम मशीन को ऑपरेट करने के लिए बैंक एक प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, और जो हम नॉर्मली इंटरनेट यूज करते हैं उससे डिफरेंट होता है, इसीलिए एटीएम मशीन को हैक करना इम्पॉसिबल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।